कई बार किसी रिलेशनशिप में हम इतने कंफर्टेबल हो जाते हैं कि अगर सामने वाला अगर आपको रोजाना कुछ करके देता है तो आप सोचने लगते हैं कि वो उसका काम है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ रिलेशनशिप की, जहाँ पर मर्द सोचते हैं कि घर का काम करना सिर्फ और सिर्फ औरतों की जिम्मेदारी है। वैसे आप क्या सोचते हैं? द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट, जिसका सार विभिन्नता में एकता है, जहां भारत की सांस्कृतिक विभिन्नता को हम स्वादिष्ट व्यंजनों के माध्यम से एक सूत्र में बांधेंगे। इस कुकरी शो से अब आप बिना कंप्यूटर या बिना किताब छुए फोन के माध्यम से अपने ही किचन में इन स्वादिष्ट रेसिपीज को सुनते हुए बना सकते हैं। इन रेसिपीज को आप हमारे वेबसाइट thetasteofindia.com पर भी पढ़ सकते हैं। नमस्कार, द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट के इस नए एपिसोड में मैं आपकी होस्ट पूजा और मेरे को होस्ट दिलीप की तरफ से आप सबका स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने बात की थी रिश्तों की, जहां पर हमने बात की थी हर रिश्तों के बारे में, क्यों है कि रिश्ते टूटने लग जाते हैं। पर आज हम खास कर बात करेंगे जोड़ियों की। जी हाँ, जोड़ी जो हम कहते तो हैं कि भगवान बनाकर भेजते हैं, पर हम इंसान उसे संभालने में चूक जाते हैं। अक्सर जब शादियां होती है तब शादी के कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक ठाक चलता है, पर प्रॉब्लम तो तब शुरू होती है जब शादी के बाद धीरे धीरे हम एक दूसरे को समझना, एक दूसरे को मदद करना वगैरह भूल जाते हैं, और इसका परिणाम क्या होता है वो तो आप सबको पता ही होगा, ब्रोकन रिलेशनशिप। दोस्तों, अच्छे रिश्तों को वादों और शर्तों की जरूरत नहीं होती, जरूरत होती है तो सिर्फ और सिर्फ दो लोगों की, एक जो भरोसा कर सके और दूसरा उसे समझ सके। अक्सर मैंने देखा है कि घर के मर्द लोग जो होते हैं वो सोचते हैं ऑफिस जाना उनका काम है, 8 घंटे की नौकरी करना उनका काम है, पर 8 घंटे के बाद की जिम्मेदारी उनकी नहीं। इस तरीके से दिलीप, अगर देखा जाए तो औरतों को भी करेक्ट 8 घंटे ही काम करनी चाहिए, नहीं सैटरडे संडे छुट्टी भी होनी चाहिए। पर ऐसा तो नहीं होता। एग्जैक्टली, बिल्कुल नहीं होता दिलीप। उनका काम सुबह शुरू जो होता है वो रात में सोने से पहले तक चलता रहता है। ये तो हो गई नॉर्मल मंडे टू फ्राइडे की बात। सैटरडे संडे को एक्सपेक्टेशन ये रहता है कि वो जो है कुछ स्पेशल बनाए, तरह तरह के पकवान बनाए, ताकि घर के मर्द जो है वो अपना सैटरडे संडे जो है इंजॉय कर पाए। ये सब कहने से हमारा मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मर्दों को अपना काम का छोड़कर घर के काम में लग जाना चाहिए, या फिर ऑफिस से आने के बाद डेली खाना बनाना चाहिए, कपड़े धोने चाहिए। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। That's right. All that they ask for is a little help, a little support. They just want you to understand them and appreciate them. और सच कहूँ तो वो help उनके लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है, उनको खुश रखता है। और तो और, जब आप कुछ help बगैर मांगे करते हो, जैसे छुट्टियों के दिन उनका हाथ बटाते हो, तो ये और भी उन्हें अच्छा लगता है। याद रखें, उनकी खुशी घर की खुशी, घर वालों की खुशी होती है, घर का माहौल अच्छा रहता है। पर लेडीज, दैट डज नॉट मीन दैट यू स्टॉप अंडरस्टैंडिंग मेन इन दैट केस। अंडरस्टैंड, मैरिज इज नॉट अबाउट 70-30%, 80-20% और 50-50%। इट इज 100-100%। मैरिज इज ऑल अबाउट पार्टनरशिप। सो फ्रेंड्स एंड ऑल द मेन आउट देयर, this is not to undermine the efforts that you put in, but it is just to tell you that there is a lot of expectation that is there in all of the relationships. While in some of the relationship, the expectation is a little too much from each other, of each other, what we forget is that the expectation is the same in both of us. So it is important that we understand the other person's expectation and live up to that. I remember one of these meetings that I had been to where we were talking about being privileged, and what we were told and what I understood in that meeting was that being privileged is not a privilege. You are privileged
just because there is somebody else out there who's giving you the privilege of being privileged. So understand that that person in your house is your counterpart, your wife, or your husband. It is important that we understand each other, the expectations that each one of us has of the other, and then live up to that. So by all of this discussion that we had today, all that we are trying to do is to convey the message that while the ladies in the house spend a lot of time in the kitchen doing a lot of the daily chores, it's not something that they are expected to do. It is something that they are doing so that the family is intact, so that the family has some nice time together. And when they do that, it is our responsibility as men to contribute a little bit to support them and do something that is within our boundaries or within our possibilities or within our abilities and help them. That is all that we are expecting with this message that we want to convey. So I think with that note, we can get on to today's recipe. And today's recipe is a very simple and very desi recipe called as Tari Wale Aloo Ki Sabzi. Right, Pooja? Right, Dilip. Shrutao, tari wale aloo ki sabzi jo hai, har jagah aap jayenge to thoda thoda alag alag tarike se banaya jata hai, par swad mein bahut had tak sab same hi hota hai, aur aksar ye tari wala aloo tab banaya jata hai jab aapko puri banani hoti hai. To ye bahut hi simple si recipe hai, chaliye aaiye dekhte hain ki isko banane ke liye hame kin kin cheezon ki aavashyakta hogi. Ise banane ke liye hame chahiye honge aloo 2 cup dice kiye hue. मेजरमेंट जो मैं बता रही हूँ डाइस किए हुए पोटैटोज हैं वो है 2 कप. टोमेटो प्यूरी चाहिए होंगे वो 1 कप. ये आपको घर पे ही इसका प्यूरी बनाना है. बेसन जो है वो चाहिए होंगे हमें 2 टेबलस्पून. हरी मिर्ची 3 से 4. अदरक 1 टीस्पून क्रश किए हुए. जीरा 1 टीस्पून. राई 1 टीस्पून. हींग 1/4 टीस्पून. हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून. धनिया पाउडर 2 टीस्पून. लाल मिर्ची पाउडर 2 टीस्पून. गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून. आमचूर पाउडर 1 टीस्पून. गुड़ जो है हमें चाहिए होंगे 2 टेबलस्पून, जो कि ऑप्शनल है. अगर आपको थोड़ा सा मीठापन चाहिए सब्जी के अंदर तो आप गुड़ डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसे रहने दे सकते हैं. धनिया पत्ती जो है वो हमें चाहिए होंगे मुट्ठी भर, उसको आप फाइनली चॉप कर लीजिए. करी पत्ता थोड़े से. तेल 2 टेबलस्पून. नमक स्वाद अनुसार. पानी जो है हमें चाहिए होंगे 2 कप या फिर जितना जरूरत है उतना. So on to the ingredients for this recipe. So we'll need potatoes 2 cups diced. This 2 cups is basically the measurement after you dice the potatoes. Tomato puree about 1 cup. Gram flour 2 tablespoons. Green chilies about 3 to 4. Ginger 1 teaspoon crushed. Cumin seeds 1 teaspoon. Mustard seeds 1 teaspoon, asafoetida 1/4 teaspoon, turmeric powder 1/2 teaspoon, coriander powder 2 teaspoon, red chili powder 2 teaspoon, garam masala powder 1 teaspoon, amchur powder 1 teaspoon. If you want it to be a little sweet in taste, then you can use jaggery about 2 tablespoon, coriander leaves a handful finely chopped, curry leaves a few, oil about 2 tablespoon, salt to taste and water 2 cups or as is required. तो फिर आइए देखते हैं कि इसे बनाते कैसे हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले जो हम एक प्रेशर कुकर लेंगे और उसमें हम तेल गरम करेंगे. जब तेल गरम हो जाए तब हम उसमें डालेंगे राई और राई को फिर हम कड़कने देंगे. और जब राई कड़क जाए तब उसमें हम डालेंगे बेसन और बेसन को हम तकरीबन 1 से 2 मिनट तक लो फ्लेम पर चलाएंगे. उसके बाद इसमें डालें अदरक जिसे हमने पहले से क्रश करके रखा हुआ है, करी पत्ता, जीरा और हींग, और इसे हम फ्राई करेंगे कुछ मिनटों के लिए. और उसके बाद हम इसमें डालेंगे टोमेटो प्यूरी और उसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे. और अब बारी है इसमें डालने की धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, हरी मिर्ची और आमचूर पाउडर. और उसके बाद इन सारी चीजों को डालकर हमें अच्छे से मिक्स करना है. उसके बाद हमें इस मिक्सचर को कुछ मिनटों के लिए फ्राई करना है ताकि जो कच्ची सी स्मेल मसाला की होती है वो चली जाए. So first of all, heat oil in a pressure cooker and add mustard seeds to it and let it splutter.
Then add the gram flour to it and stir well for a minute or two on a low flame. Then add crushed ginger, curry leaves, cumin seeds and asafoetida and fry for a few minutes. Now you can add the tomato puree to it and mix well. Then add coriander powder, red chili powder, turmeric powder, salt, green chili and amchur powder and mix all of these ingredients well. And then fry this mixture for a few minutes, stirring in between so that the raw smell of the masala that goes off. उसके बाद हम इसमें डालेंगे डाइस किए हुए पोटैटोस और उसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 कप पानी और 2 टेबलस्पून जैगरी, जैसा कि मैंने कहा था कि ऑप्शनल है, आप अगर चाहते हैं तो डाल सकते हैं या फिर मात्रा इसकी कम कर सकते हैं। और उसके बाद इन सारी चीजों को हम अच्छे से मिला लेंगे और उसके बाद हम प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा देंगे और इसे हम पकाएंगे तकरीबन 2 विसल आने तक। और जब विसल आ जाए तो गैस स्विच ऑफ कर दें और इसका ढक्कन आप तभी खोलें जब इसके अंदर से सारे प्रेशर रिलीज हो जाते हैं। और जब आप ढक्कन खोलेंगे तो इस करी को आप अच्छे से मिक्स करेंगे और उनमें से कुछ पोटैटोस को जो है आपको स्पून की सहायता से थोड़ा सा मैश कर देना है या फिर मैशर की सहायता से आप मैश कर सकते हैं ताकि उसकी कंसिस्टेंसी जो है सही आ जाए। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे गरम मसाला, धनिया पत्ती जो हमने पहले से चॉप करके रखी हुई है और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो बस हमारी माउथ वाटरिंग तरी वाले आलू की सब्जी जो है वो तैयार है सर्व करने के लिए। सर्व करें इसे पूरी के साथ, पर अगर आप चाहें तो इसे पराठा और रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। So once you've fried the mixture and the raw smell of the masala goes off, you can add the diced potatoes to it and mix well. Then add about 2 cups of water and the 2 tablespoons of jaggery. Like what we said, that's entirely up to your choice. If you want to add jaggery, if you want to reduce this quantity, you can do that as well. Then add this jaggery and give it a nice mix. Then cover the pressure cooker and cook until 2 whistles. Then let all the pressure release on its own and then only open the lid. After you open the lid, mix the curry well and also mash some of the potatoes so that you get the right consistency. You can use a masher or you can even use a ladle to crush these potatoes. Now add garam masala and fresh coriander leaves to it and mix it well. Your mouth-watering tari wale aloo ki sabzi is ready to be served. This can be served hot along with puri and it can also be served along with chapati or paratha if you prefer serving it with that. But with puri, it goes really well. So with that, we come to the end of this recipe and the end of this podcast. I hope you enjoyed this podcast. If you did, do subscribe to this podcast so that you stay updated with the latest episodes that we come out with. Please do visit thetasteofindia.com for a printable recipe card. You can also download our free ebook, South Indian Recipes, from thetasteofindia.com. Do give us a genuine rating and a review on iTunes because your ratings help in the overall ranking of this show on iTunes. We are also available on almost all the other podcasting platforms, including Saavn, Player.fm, Google Podcasts, and Stitcher Radio. We'll come back again the next week with another tasty, mouth-watering recipe and some chit-chat. Until then, keep listening to the Taste of India podcast and you all have a good rest of the day and rest of the week. This is goodbye from Dilip. And goodbye from Pooja.